पिछोर अनुविभाग के उप स्वास्थ्य केंद्र खोड़ में पदस्थ स्टाफ नर्स और समस्त स्टाफ ने एसडीओपी प्रशांत शर्मा को स्टाफ नर्स के साथ छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करने की मांग। मामला पिछोर अनुविभाग के खोड़ पंचायत का है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में 3 व्यक्ति घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए थे। स्टाफ नर्स ने प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद उन तीनों ने स्टाफ नर्स महिला के साथ अभद्रता की और छेड़छाड़ की। जब स्टाफ नर्स ने डॉक्टर से शिकायत करते हुए बताया तो डॉक्टर अनुराग तिवारी ने उन तीनों को समझाइश दी, लेकिन ये इतने नशे में थे कि उन्होंने डॉक्टर पर कैंची से जानलेवा हमला भी कर दिया और डॉक्टर पर हरिजन एक्ट का मामला दर्ज करा दिया और डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया है। स्टाफ नर्स और अनस्टाफ का कहना है कि डॉक्टर अनुराग को वापस लिया जाए और उनका निलंबन रोक लिया जाए, जिसको लेकर स्टाफ नर्स ने एसपी महोदय से भी शिकायत की और एसडीओपी प्रशांत शर्मा को भी शिकायती आवेदन दिया है। एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फास्ट समाचार संवाददाता ने की स्टाफ नर्स और स्टाफ के लोगों से चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट में संवाददाता सचिन राज भट्ट। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो कि खोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर का वीडियो वायरल किया गया था, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी थी, आइए बात करते हैं। हमारे साथ स्टाफ नर्स, क्या नाम है आपका? सविता दुबे, स्टाफ नर्स। अच्छा सविता जी, क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला ये है कि उस दिन तीन लोग आए, 108 से आए, घायल थे तीनों। प्राथमिक उपचार सारा किया गया, इसके बाद वो माने लेटने की कहने लगे, तो हमने ये कहा कि सर यहाँ पर चचा खाने में लेटने की बोलने लगे, तो हमने कि वहाँ नहीं लेटना, अंदर बाहर है वहाँ लेट जाओ। तो बोले हम नहीं लेटेंगे वहाँ पर। हमें क्या किया फिर उन्होंने? फिर उन्होंने बाहर की तोड़फोड़ करने लगे, रिकॉर्ड वगैरह फाड़ने लगे, इंस्ट्रूमेंट भी तोड़फोड़ करने लगे, हमारे साथ बदतमीजी, गाली गलौज करने लगे, हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ी करने लगे। तो फिर इसके बाद डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने भी उनसे बातचीत करी और उनकी मान लो जो पट्टी वगैरह है वो भी सारी की, तो जो इंस्ट्रूमेंट रखे थे ट्रे में वो उनके उल्टा बार करने लगे। उसी तो डॉक्टर पे हमला किया उन्होंने? हाँ डॉक्टर पे भी हमला किया। तो इस तरह से डॉक्टर पे हमला किया, जब स्टाफ नर्स ने पूरा प्राथमिक उपचार कर दिया था उसके बावजूद भी डॉक्टर पे हमला किया, तो डॉक्टर ने अपने बचाव में थोड़ा सा उनको रोकना चाहा, लेकिन वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि वीडियो वायरल होने के बाद अब डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया है। लेकिन स्टाफ और स्टाफ नर्स ने ये बताया कि उन लोगों ने छेड़छाड़ की थी और अस्पताल का माहौल ख़राब कर रहे थे, जिसको लेकर ये सारा घटनाक्रम हुआ था। और भी हमारे साथ खड़ी हैं भाई हैं, आइए, क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती। अच्छा भाई, क्या हुआ था उस दिन? बाद में तीन लोग आए थे, दारू पिए थे, सो मैडम के लिए छेड़छाड़ कर रहे थे। मैडम जी ने कहा कि बिस्तर ड्रेन फिर लेट जाओ, तुम्हारी पट्टी करें दी थी, इलाज करें दी, बेकार तुम रहो। वे दारू पिए थे सर, सो मैडम जी को छेड़ा छाड़ी करने लगे और रजिस्टर फाड़ने लगे। सर के लिए मैडम ने फ़ोन किया, सर आ गए, सो उनकी भी जो ही हालत करने लगी थी। इस तरह से एक डॉक्टर ने अपने स्टाफ का बचाव किया, बचाव करने के बाद परिणाम ये मिला कि डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। अब स्टाफ का ये कहना है कि हमारे डॉक्टर की वापसी की जाए और जो मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर आज एसडीओपी कार्यालय में यहाँ पर पूरे स्टाफ ने एक आवेदन भी दिया है। सर, खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कुछ स्टाफ आया था जिसमें महिला कर्मचारियों ने कुछ मांग की है, उनके साथ जो अभद्रता हुई और उसके लिए आपको एक आवेदन भी दिया, क्या कुछ कहेंगे? ये आज खोड़ के शासकीय अस्पताल से कुछ चिकित्सकीय स्टाफ अभी मेरे कार्यालय में उपस्थित हुआ था, उन्होंने एक आवेदन हमको प्रस्तुत किया है और हम उस आवेदन की जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला नर्स का ये भी कहना है कि जो कुछ व्यक्ति थे उन्होंने छेड़छाड़ भी की और अभद्र व्यवहार भी किया, गाली गलौज जी, वो जो जो बिंदु उन्होंने उल्लेखित किए हैं अपने आवेदन में, हम एक एक बिंदु बार उनकी जांच करा देंगे और जो भी मामला सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई कर देंगे।